तो फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं दुनिया का सबसे महंगा घर मुकेश अंबानी का घर देखने। जैसा कि आपको पता होगा इसके सामने में बुर्ज खलीफा कुछ भी नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं दुनिया का सबसे महंगा बिल्डिंग घर जो मुंबई में है, और हाजी अली से आप आसानी से इस बिल्डिंग को देख सकते हैं। ये 2010 में तैयार हुआ था, 7 साल लगा था इस बिल्डिंग को बनाने में, तो काफ़ी पैसा खर्च हुआ है। बुर्ज खलीफा अगर बनाना चाहे तो इंडिया में बन सकता था, लेकिन अंबानी ने वो गलती किया, आज इसकी वजह से वो पछता रहे हैं। 6 साल के बाद आया मुंबई तो काफ़ी चीज़ महंगा हो गया है। महंगा तो सब हो गया है। कौन सा गांव में थे मुकेश अंबानी का बिल्डिंग देखना है? डेकोरेशन देखो गणपति की वजह से ये आगे है, टोला से नीचे से ऊपर जाने का मेन गेट देखने को मिलेगा। सर ये रोड पे है, ऊपर से देखने को बाहर का जो मेन रोड। तो हम लोग एंट्री कर चुके हैं अल्टा माउंट रोड पे, और पीछे के साइड से हम लोग एंट्री करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा मेन लाइन से जाते हैं तो वहाँ पे अभी रुकने नहीं देता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस घर को देखभाल करने के लिए 600 लोगों की टीम है। उसके बाद इस घर में गार्डन है, पार्किंग है, स्विमिंग पूल है, और सबसे ऊपर 27वें फ्लोर पे हेलीपैड यानी हेलीकॉप्टर, 3 हेलीकॉप्टर वहाँ पे उतर सकता है, और अंबानी जी डायरेक्ट वहाँ से जाते हैं और आते हैं। तो ये बहुत फैसिलिटी दिया गया है इस घर को बनाने में, और घर में एक फ्लोर दूसरे फ्लोर से नहीं मिलता, यानी एक मंजिल दूसरे मंजिल से नहीं मिलता है, सेम हो ही नहीं सकता, इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। और हम लोग एंट्री कर चुके हैं, जैसा आप सामने देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसको बनाया गया है, और ये 15 अगस्त से अभी तक इसको इसी तरह से सजाया गया है और इसी तरह से अभी तक है। ये पूरा उसका है, उसका ही है, बहुत ज्यादा लगे हैं। ये है उसका मेन घर, मैं आगे आया लेफ्ट में आएगा आगे। ये बिल्डिंग किसका है ये वाला? ये सब अपना जो रहते थे पहले से ही, ये मेन गेट उसका है, सिक्योरिटी खड़ा ना। अच्छा। सब पुलिस वाले सिक्योरिटी, तो उसका मेन गेट पुलिस वाला। ये वाला, हाँ ये गेट और बाजू का गणपति इधर से अंदर जाता है, इधर से बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। हाँ तो उसको बम की गाड़ी के साथ उड़ाने को आया था ना, तो पकड़ा गया ना। हाँ इसको अभी बीच में धमकी दी थी ना, लेटर दिया था उसको, एक ही दिन में पकड़ के लेके आया। इतना ज्यादा है, बोलो अभी क्या बोलो, पूरा एरिया उसका है। जैसा कि आपने वो घर देखा है, इतना महंगा घर किसी के पास नहीं, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी का नहीं है इतना महंगा। अगर बुर्ज खलीफा जैसा बिल्डिंग अगर मुकेश अंबानी यहाँ पे बनाता तो काफी पैसा कमा सकता था। जितना बुर्ज खलीफा का नाम है उतना नाम इस बिल्डिंग का नहीं है, एंटेलिया का नहीं है, इसे आप समझ सकते हैं अंबानी ने क्या मिस्टेक किया। अगर इसे अलग हिसाब से अलग जगह पे बनाया होता तो काफ़ी इसे पैसा आता, लेकिन 6-7 लोगों के लिए इतना बड़ा घर, 27 मंजिला इसको कहा है, लेकिन 27 मंजिल का ये नहीं है, ये काफ़ी बड़ा है, क्योंकि आपको पता होगा 2-3 फ्लोर का एक ही मंजिल जोड़ा जाता है इसमें, और 6 फ्लोर तक इसका सिर्फ पार्किंग है, और आपको पता होगा सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल और हर चीज़ इसमें फैसिलिटी दिया गया है, और एक रूम तो कंट्रोल रूम है, आइस आप अपने मर्जी से टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो इतना खासियत दिया गया। तो मैं मुंबई में हूँ और मुंबई में रहकर मैं सोचा कि आपको ये भी वीडियो दिखा दिया जाए, क्योंकि हाजी अली पे आप ये वीडियो देख सकते हैं, मेरा ही वीडियो है।